इस वीडियो में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 10 महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं, जिनका आप जवाब देकर अपने ज्ञान को जांच सकते हैं। प्रथम सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1916 या ऑप्शन डी 1923। आपको बताना है कि मुस्लिम लीग की स्थापना इनमें से किस वर्ष हुई थी। दूसरा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी ए ओ ह्यूम, ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी। इनमें से किन्हें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय जाता है? तीसरा सवाल, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन ए क्रिप्स, ऑप्शन बी पैट्रिक लॉरेंस, ऑप्शन सी एवरी और ऑप्शन डी अलेक्जेंडर। आपको बताना है कि इनमें से कौन एक कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चौथा सवाल, मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पहली बार सार्वजनिक रूप से पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग किया था? ऑप्शन ए 1933, ऑप्शन बी 1906, ऑप्शन सी 1940 या ऑप्शन डी 1942। आपको बताना है कि इनमें से किस वर्ष पहली बार मुस्लिम लीग ने सार्वजनिक रूप से पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। पांचवा सवाल, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस दल की सरकार थी? ऑप्शन ए लेबर पार्टी, ऑप्शन बी रिपब्लिक पार्टी, ऑप्शन सी लिबरल पार्टी या ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक पार्टी। आपको बताना है कि स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में इनमें से किस दल की सरकार थी? छठा सवाल, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष होने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए एनी बेसेंट, ऑप्शन बी अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी सरोजिनी नायडू या ऑप्शन डी विद्यालक्ष्मी पंडित। आपको बताना है कि राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? सातवां सवाल, गांधी जी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया था? ऑप्शन ए असहयोग आंदोलन, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन या ऑप्शन डी चंपारण आंदोलन। इनमें से कौन सा वह आंदोलन है जिस आंदोलन के दौरान गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था? आठवां सवाल, 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी सुभाष चंद्र बोस, सी सी राजगोपालाचारी या ऑप्शन डी इन सभी ने मिलकर। आपको बताना है कि 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना इनमें से किन्होंने किया था? नौवां सवाल, भारत का विभाजन किस योजना के आधार पर हुआ था? ए बेगल योजना, बी क्रिप्स मिशन योजना, सी कैबिनेट मिशन योजना या ऑप्शन डी माउंटबेटन योजना। आपको बताना है कि इनमें से किस योजना के आधार पर भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान में हुआ था? दसवां सवाल, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? ऑप्शन ए मोहम्मद अली जिन्ना, बी रहमत अली, सी इकबाल या डी लियाकत अली। इनमें से किसे पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता माना जाता है? अब आपने जो जवाब सोचा है वो सही है या गलत? आपने कितने सवाल सही सोचे हैं वो याद देखें। सही जवाब इस प्रकार है,
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी 1906। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी एओ ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एक अंग्रेज अधिकारी एओ ह्यूम को जाता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी एवरी, यानी कैबिनेट मिशन के एवरी सदस्य नहीं थे। क्रिप्स, पैट्रिक लॉरेंस और अलेक्जेंडर ये तीनों कैबिनेट मिशन के सदस्य थे। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी 1940। 1940 में ही मुस्लिम लीग ने पहली बार अपने लाहौर अधिवेशन में पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए लेबर पार्टी। भारत की स्वतंत्रता के समय में ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए एनी बेसेंट। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी भारत छोड़ो आंदोलन। महात्मा गांधी ने करो या मरो या डू और डाई का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी लॉर्ड माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन लॉर्ड माउंटबेटन योजना के आधार पर हुआ था। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली। चौधरी रहमत अली जो ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय का छात्र था, उसी ने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द को गढ़ा।